लास्ट ईयर लगभग 60-62 कट्टे की औसत आई थी। अच्छा इस साल मैंने लगभग 50 बीघे 48 इंची पेड़ से जो आलू लगाया है हाँ उसमें मेरे को नुकसान दिख रहा है। दिख रहा है उसमें? और नॉर्मल वाले में जैसे नॉर्मल में तो मेरे में तो नहीं दिखा है, बाकी अदरवाइज और है लोगों में। कितने परसेंट मान लो? 10 से 15%। 10 से 15%। कितने कट्टे की पैदावार गई बीघे में एवरेज में? इतने ही कट्टे की पैदावार। 10 कट्टे 15 कट्टे की, तो 20% हो गया नुकसान, ज़्यादा हो गया। अच्छा तो लास्ट ईयर तो लाइन लग गई थी कोल्डों पे, इस साल लाइन लग सकती है? वैसे कोल्ड स्टोरों के बारे में बात तो करें ही नहीं, क्या करेंगे उससे, हमको क्या लेना देना, हमको भाड़ा दे नहीं रहे वो। तो खेती के बारे में करें, खेती के करें क्योंकि ना भाड़ा दे रहे हमें ना कछुए, हमें क्या लेना देना बात नहीं। दूसरी चीज ये बताओ, उसके बावजूद भी आलू के रेट इस साल मिलेंगे कि नहीं, रेट की तो बात कर सकते हैं किसानों से? रेट की बात कर सकते हैं, रेट की क्यों नहीं। देखो आदमी किसान तो पैदा करता है, वो तो सोचता है कि मुझे भरपूर रेट मिले, बस सही बात है। अब प्रकृति के ऊपर निर्भर है, देखो क्या होता है। सही बात है। और बताओ? बढ़िया साहब, चलो ठीक है। वैसे क्या रेट बिक रहे हैं ये कच्चे जो खुद रहे हैं आलू? कच्चे खुद रहे हैं, देखो अब मैं किसान के साथ व्यापारी भी हूँ, आज मैंने इटावा से 750 रुपये कुंटल में एक गाड़ी आलू भराया है। 750 रुपये कुंटल में है, 7.5 रुपये किलो। कुछ तेजी आई है एक दो दिन में? जी बरसात के चक्कर में। बरसात के चक्कर में जब माँ, तो अभी तो फरुखाबाद मंडी में तो लूट सी कट डाली। फरुखाबाद मंडी में एक्चुअल में क्या है, बीच में आवक ज्यादा हो गई थी, अभी बरसात के चक्कर में लूट हो गई। उस दिन तो किसानों ने आलू बेचा ही नहीं, आलू बेचा ही नहीं, किसानों ने मना कर दिया, लौट के चले गए। जरूरी भी है, काम होना जरूरी है। देखो इतनी व्यवस्था रहनी चाहिए किसान के पास कि अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए तो आदमी इकट्ठा, मतलब इकट्ठा क्या मतलब, जो बिक्री रोक दे या कुछ कर सकता है, इतना तो भाई किसान एकजुटता होना चाहिए। हाँ वो सब एकजुटता है जाएगी, खैर बाकी कोई दिक्कत ना। हाँ नुकसान होते हैं तो सब अभी पुराने अनुभवी किसान हैं। अच्छा जी। और नुकसान तो होता है चौधरी साहब, तब तो एकजुट हो जाता ही है किसान, नुकसान है बड़े बढ़िया में कभी नहीं हो पाता। संजय राणा जी से मिले। हाँ जी संजय राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कितना आलू लगाते हैं? 20 बीघा। 20 बीघा क्या पोजीशन है? कितने पिछले साल एवरेज कैसा निकला था? 55 का निकला था। इस साल क्या उम्मीद है? वही निकलेगा 40-45। 40-45 का तो इतना ही निकलेगा। अच्छा नहीं जी सही कह रहे हैं, जहाँ जितने लोगों ने बातचीत करी इधर आ जाओ रोशनी, कोई 60 कोई 65 कोई ये बक रहे हैं, ज्यादातर एवरेज पिछले बार भी 45-50 के बीच में थे। और इस बार दिक्कत आएगी, खुद मेरे खेतों में आएगी। अभी जे ऐसे बना के अभी ऐसे राउंड करेंगे, 24 बीघे खेत है मेरे में भी है, फ्लैट भी है। आप बात समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, नुकसान है। अब जे खोदा 6 आलू निकले, मोटे निकले, 6 आलू का क्या मतलब है? 6 आलू चाचे बताओ जरा। अरे वो मैं भी जानता हूँ यार, बात समझो। पेप्सी वाली कंपनी क्या करती है, हल्दीराम 10 आलू निकलेंगे छोटे मोटे, 600 ग्राम वजन माना जाएगा, 1 एकड़ में 22 से 24 हजार पौधे माने जाएंगे, तब उसको कैलकुलेट करेंगे, तब एवरेज आता है 48-50 का। और जहाँ 6 दाने अगर हो गए तो आप एवरेज कहाँ समझ रहे हो, 40-35 के बीच में एवरेज है। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात तो ये। अब लेकिन ये कहने की, और ये सुजात नगर दिग्गजों का गाँव है, यहाँ ढेर है सब। नहीं वो तो सही है भाई, एक चीज बताओ कि आधे से ज्यादा लोग ढेर हैं। अभी जो एक पार्ट बना है, एक दूसरा एरिया मैं आपको और दिखवाऊंगा। चलो चल रहे हैं उधर भी, मैं क्या 2-3 वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बढ़िया लगा आप सभी लोगों से बात करके, ठीक है धन्यवाद। ये दोस्तों अभी हम मैं हूँ सुजात नगर में, ग्राम देना यार जी। अरे यार तुम्हारे गेहूँ भी है, तुम्हारे खेत है तो तुम अपने में, तुम्हारे में देखा है भरा हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा, उसमें देखने का क्या फायदा है? ये देखो ये पूरा क्षेत्र साफ है, मैं कह रहा हूँ कुरे दबा लेते तुम, जो ऐसे दिखाते हो ये तो सही है यार, ये सही है तुम्हारा ये मैं तुम्हें एरिया कवरिंग कर रहा हूँ कि यहाँ हमारे गांव में कितने लोगों के साथ दिक्कतें हैं, सबके खेत मेरे उसके किसके कोई मतलब नहीं। हाँ लेकिन ये नुकसान कितना है लंबा, ये देखो ये अब बात ही नहीं समझ रहे, ये सब दिक्कत राणाओं के खेत हैं सुजात नगर। देखो देखो इधर देखो ये चल गया, वो देवी पोनिया जी का अच्छा कुतरा है जो, ये सही है सर। देखो कुछ देखो कहीं कुछ एरिया सही हो जाता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन बीच में गड़बड़ है, हर खेत में नुकसान है जी। हमारे पूरे सुजात नगर में लोगों के घर के खेत हैं ये सब, और आपने देखा 70% खेतों में दिक्कत है। ये तो कह रहे हैं संजय राणा जी थे उनका खेत। अच्छा संजय राणा, दिक्कत है नहीं जी,
ये पता नहीं इस साल नई बीमारी आई है, खेत जल गए हैं। देखो पानी तो आ रहा है, ये देखो जल गया बीच बीच में। ये सुजात नगर भ्रमण है पूरा। हाँ सही बात है, घूमा रिजीपा लाना है वो। रिजीपा लाना जी है दोस्तों, खराब है ये देखो जी, देखो दोनों तरफ देखो दोस्तों, देखो कितना नुकसान हुआ है किसानों का। अभी यहाँ से देखो उधर, अब दोस्तों पूरा ये लोग तो कह रहे हैं कि पैदावार पे अंतर आएगा, और मुझे भी लग रहा है कि ऐसा आगे पूरा वो आए गांव तक स्थिति ऊपर ऊपर सारे की खराब है, और पिछले 5-6 दिन में हुआ है ये। सही बात है, उधर भी चला गया 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में कांड हो गया है ये सुजात नगर। देखो कौन से में फ्लैट लीट आलू हुई फ्लैट जीरिंग लीट फ्लैट। इसमें देखो एरिया है ये सब लीट फ्लैट, और आगे तक है पत्तों में सुबह ज़्यादा दिखती है। चलो कुल मिला के जे मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ, जो मरे हुए आलू जिसका पौधा मर गया उसमें आलू फूलेगा नहीं, उसमें जे है कुल नहीं मानो 50-90 दिन का जे 90 दिन का दाने कम है पर आलू सही मोटे हो गए, सही है पर दाने नहीं है। इसको करने से कब तक फायदा है, फायदा क्या है इसको करने? क्वालिटी क्या है इसकी? क्वालिटी ये मजबूत आलू है, चमक अच्छी है, साफ सुथरा निकलता है, गोल राउंड है, मार्केट वैल्यू है। एवरेज है? एवरेज नहीं है, एवरेज कम है जी, 50-55 साल एवरेज तो होना चाहिए भाई, किसान का कब फायदा हुआ? सही कह रहे हो, अब जला हुआ खोद लो। लागत हुआ जला, अब जला हुआ खोद लो, एक जला हुआ साफ चलता है देसी खाद डलता है इसमें खेत में। तुम 5-7 दाने इनमें कौन आलू सही होता है? देखो इतने किसान खड़े हैं भाई, मैं इनसे अब बात करेंगे अभी लास्ट में कि क्या कोई फर्क पड़ा। जला हुआ पेड़ हो ये? हैं? जला हुआ पेड़ था जी। जला हुआ है? दाने ज्यादा है तो छोटा है आलू छोटा, दाने ज्यादा है तो छोटा हो, मान लो दाने कम है तो मोटा हो, ऐसे ही तो नहीं कर रहा हूं। आलू इसमें अब जी तुम क्या समझ रहे हो, इसमें कोई फूलेगा जात होगी? अब ज़्यादा नहीं जाऊँ नहीं। हाँ तो जले हुए में तो नुकसान है ही है, पता उसमें क्या है? अब ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल ही निकले, ठीक है ना? आलू बढ़ा दो, आलू तो निकल। तो दोस्तों ये है मेरे साथ सुजात नगर गांव के किसान, जो कि जिला फिरोजाबाद में पड़ता है उत्तर प्रदेश, और मैं इनसे अब बात करूंगा। खेत अपने लोगों ने सबने देखे क्या, काफ़ी लोग ये मेहनत करते हैं आलू की खेती में, और आलू बहुत अच्छी क्वालिटी का निकालते हैं। तो चौही साहब किन से बात होगी, कौन बताएंगे कि क्या रहने वाला है, मतलब कैसी पैदावार है, नुकसान है आपके एरिए में कि नहीं? जैसे अभी खेतों में देखा तो लगभग 80% खेत तो खत्म से ही मान लो जल रहे हैं, और 20% ये खेत बढ़िया है वो जिनमें जैसे गोबर की खाद डालते हैं किसान या और मेहनत करते हैं। वैसे क्या नाम है साहब आपका? अच्छा कितना आलू करते हो आप? 45 बीघा। क्या कितना अंतर आएगा पैदावार पे? लास्ट ईयर कितना निकला था एवरेज तुम्हारा? 74 तक का। इस साल कितना आ जाएगा, क्या उम्मीद लग रही है? 60-55 और कम रह सकता है। और कम भी रह सकता है। आपका क्या नाम है साहब? प्रशांत राणा। कितना करते हो आलू? 80 बीघा। क्या एवरेज आया था पिछली साल? पिछली बार आया जो बताना, सच बताना, 55 का आया था, कम रह गया, क्या चक्कर है? कोई बात नहीं, इस साल क्या उम्मीद है? इस साल भी 50 के लमसम ही 50 के कम रहेगा। तो बंपर पैदावार सुनना था मैं कहीं से, सुनी मैंने बंपर पैदावार है आलू की इस बार? नहीं है, हमारे क्षेत्र में तो नहीं है, कहीं और हो तो पता नहीं। हाँ और की क्या मालूम है भैया। और बताओ चौही साहब आपका क्या नाम है? अच्छा चौही साहब क्या पोजीशन है, आप कितना आलू लगाते हैं? 60 बीघा। 60 बीघा। क्या पिछले साल कैसा निकला था एवरेज आपका? कितना निकला था? 60 का। इस साल क्या उम्मीद है?
साठ का निकला है। सही है खेत तो आपके? अच्छा आपका ये खुदा था जो? हाँ तो साठ का तो निकल आना चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत कम रह सकता हूँ। अच्छा पोखर में? अच्छा चलो हो सकता है। हाँ जी जोशी साहब क्या नाम है आपका? कितना लगाते हो आलू? 20 एकड़। क्या पोजीशन है? लास्ट ईयर कैसा निकला था एवरेज? 58 कट्टे निकले थे। 100 बीघा में 5800 कट्टे। और इस साल क्या उम्मीद है? इस साल लगभग 100-200 कट्टे कमी निकलेंगे। कमी निकलेंगे। अच्छा आप? अरे भैया मैं तो छोटा सा ही किसान हूँ, अभी सीख रहा हूँ। मैं तो सीख रहे हो अभी? सीख रहा हूँ। अरे अभी तो कितना लगाते हो आलू? मैं तो 10 बीघा लगाता हूँ। 2 एकड़ कितना निकला था पिछली बार 10 बीघे कट्टे? 550 कट्टे। 550। इस साल ज़्यादा निकलेंगे कम? उतने बराबर निकलना है, बहुत है, उतना भाव मिलना चाहिए। कुल मिला भाव मिलना चाहिए। तुम भाव बेचते लेट हो तुम आलू, समझो तुम। अरे वो तो है। हाँ जी चौधरी साहब बताइए साहब, क्या पोजीशन, कितने बीघा लगाते हो, क्या नाम है पहले? नाम नाम रिंकू राणा है। मैं लगभग 30 एकड़ आलू लगाता हूँ। टोटल आलू मेरे पास 37 में है। हाँ लास्ट ईयर लगभग 1 मिनट रुको।